हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फराज कुकिंग चैनल में आज हम चिकन जेल फ्रेजी की रेसिपी बनाएंगे। इसको हम बनाना शुरू करते हैं। चिकन जेल फ्रेजी की रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो आप नोट कर लें। चिकन बोनलेस 2 पौंड, इसको आप क्यूब की शक्ल में काट लें। एक मीडियम साइज का क्यूब की शक्ल में कटा हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर लेके उसकी पहले आप स्किन उतार लें और फिर इसकी पेस्ट बना लें। 1 मीडियम साइज का बेल पेपर, इसको भी क्यूब की शक्ल में काट लें। बेल पेपर या शिमला मिर्ची आप अपने पसंद का कलर ले सकते हैं। यहाँ ग्रीन ऑनियन 1/4 कप, 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 1/4 कप टमाटो केचप, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, इसी तरह ग्रीन चिली या फिर आप बेल पेपर भी ले सकते हैं। ये आप 3 से 4 अदद ग्रीन चिली लेके या 1 स्लाइस बेल पेपर का लेके इसको काट लें। इसके साथ साथ 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून यहां हमें व्हाइट सिरका चाहिए होगा, 4 अदद हम इसके अंदर अंडे इस्तेमाल करेंगे। स्पाइस, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, साल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चाइनीज साल्ट या जिनोमोटो 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। क्योंकि इसके अंदर हम चिली पेस्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने चिली की जो क्वांटिटी है वो कम इस्तेमाल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। पहले स्टेप में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर बेल पेपर, व्हाइट ऑनियन, फ्राई करने के बाद इसके अंदर ये ग्रीन चिली या बेल पेपर, यहाँ मैंने हेलिपिनियो का इस्तेमाल किया है, आप अपने पसंद की चिली इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये ग्रीन ऑनियन डाल दें। हेलिपिनियो बहुत तीखी होती है, आप इसकी जगह बेल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन कलर की। सारी वेजी जो है वो हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। एक बर्तन लेके आप उसके अंदर अंडे फेंट लें। इसके अंदर आप 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ,
अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल दें। हमने सेम बर्तन का इस्तेमाल किया है। इसको आप चारों तरफ इस तरह फैला दें। इस तरह इसको पीसेस में काट लें। हम इसको भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। दूसरे स्टेप में एक बर्तन लेके उसके अंदर हाफ कप ऑयल डाल दें। यहाँ जो स्मॉल साइज का बारीक कटा हुआ प्याज है ये डाल देंगे। अब 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे प्याज को ऑयल के अंदर। गार्लिक पेस्ट, और जिंजर पेस्ट डाल देंगे। अब मजीद इसको 5 मिनट हमने ऑयल के अंदर भूनना है। हम चिकन डाल देंगे। इसको मजीद हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर टमाटर की ये पेस्ट डाल दें। अब हम इसके अंदर स्पाइस डाल देंगे। स्पाइस डालने के बाद हम इसको मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, मगर गाढ़े गाढ़े चेक भी करेंगे कि नीचे ना लगे। दस मिनट के बाद अब हम इसके अंदर टमाटो केचप, सोया सॉस, सिरका, विनेगर और चिली पेस्ट डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मज़ीद 5 मिनट इसको पकने दें। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने अंडे का ऑमलेट सा बनाया हुआ था वो डाल देंगे।
इसके अंदर अंडे डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसके अंदर जो हमने फ्राई की थी वेजी वो डाल देंगे। अब इसको मीडियम आंच पर मजीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। इसके बाद हमारी ये डिश तैयार हो जाएगी। पका लेते हैं। ये बड़ी आसानी से और हाफ आवर के अंदर बन जाने वाली डिश है। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ या फिर नान के साथ खा सकते हैं। जलफ्रेजी की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं इसी तरह की अच्छी रेसिपीज लेके आपके पास हाजिर होंगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।